सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 24 तारीख है, मंगलवार है, और आज के दिन में प्रभु मुख्य रूप से हम सबों को कहता है कि हम संसार में प्रभु के लिए एक दीपक हैं और हमारी ज्योति चमकती रहे। वो एक छोटा सा गाना है, तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। यानी कि आज के दिन में उस चिराग को चमकने के लिए, उस दिया को जलते रहने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत कठिनाई का सामना करना होगा, क्योंकि नफरत की, ईर्ष्या की आंधी तूफान चल रहा है। चारों ओर नफरत, ईर्ष्या, जलन, भेदभाव, अलग अलग प्रकार के गलत धारणाएं, इन सब की आंधियां जब चलती हों, वो दिया जलाए रखना बहुत कठिन है। फिर भी प्रभु हम सबों से क्या कहता है, तुम दीपक हो और तुम्हारा दिया जलता रहे। प्रभु का वचन कहता है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारा दीपक जलते रहे। तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलता रहे। कमर कसने का मतलब हम सभी एक प्रकार से कार्य क्षेत्र में है, हम सभी प्रभु के दागबारी में कार्य क्षेत्र में है। अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें अपनी कमर को कसनी होगी, यानी कि मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा करना होगा, अंजाम तक पहुंचाना होगा। इसलिए कमर कसी रहना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी बात प्रभु कहता है, तुम्हारा दीपक जलते रहे। और जैसे कि मैंने कहा, दीपक आज के दिन में जलाए रखने के लिए कितने सारी आंधियां आती हैं इस दीपक को बुझाने के लिए, विरोध के, नफरत के, भेदभाव के, ईर्ष्या के, जलन की और बदले की भावना की आंधी तूफान चल रहा है। ऐसे में उस दिया कौन, किस प्रकार का दिया, वो विश्वास का दिया, वो प्रेम का दिया, वो शांति क्षमा का दिया जलाए रखना कितना चुनौती भरा है, इस बात को हम समझ सकते हैं आज के परिवेश में। इसलिए आज के दिन में प्रभु का संदेश हम सबों के लिए बहुत गहरी बात को बताते हुए हम सबों को बुलाता है और याद दिलाता है हम सबों की जिम्मेदारी क्या है, हम सभी कौन हैं, क्या करना है, कैसे जीना है और क्या हमारा कर्तव्य कैसे निभाना है, इन सभी बातों को लेकर प्रभु हमें समझाता है। आगे लिखा है, तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ। किन लोगों के सदृश, जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं और वह बारात से कब लौटेगा। स्वामी की राह देखते रहते, यानी कि प्रभु के इंतजार में, प्रभु की खोज में, जब प्रभु की खोज में लगा रहता है उसका घर भरा पूरा रहता है, स्रोतकर्ता बताता है। यानी कि हम सबों को कैसे रहना है, उन लोगों के सदृश जो बारात से अपने स्वामी के लौटने का इंतजार करते हैं। यानी कि प्रभु हमारे जीवन में कभी भी हमें एक ऐसे निमंत्रण, आमंत्रण या अनुभव दे सकता है, इसलिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। कहने का तात्पर्य, हम प्रभु के लिए सदैव तत्पर रहें, तैयार रहें, कमर कसते हुए हम अपनी ड्यूटी में लगे रहें, हमारी जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे बढ़ें। आगे प्रभु का वचन कहता है, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल देने की, जब प्रभु आएगा, द्वार खटखटाएगा, तब तुरंत हम प्रभु के लिए द्वार, अपने दिल के द्वार खोल सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़े होके खटखटाता हूँ, जो मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके अंदर प्रवेश करूँगा और हम दोनों एक साथ बैठ के भोजन करेंगे। यानी कि प्रभु एक ऐसा एक अनुभव हमें दिलाना चाहता है, अगर हम
प्रभु के लिए द्वार को खोलें, अपने दिल के द्वार को खोलें, अपने परिवार रूपी द्वार को खोलें, हमारे मन रूपी द्वार को खोलें, प्रभु को हमारे जीवन में प्रवेश होने दें, प्रभु का अधिकार हमारे जीवन में रहेगा और प्रभु का निवास हमारे जीवन में जब होगा तब हम संत पौलुस के बातें कह सकते हैं, या मैं नहीं हूं बल्कि ईश्वर यानी कि प्रभु यीशु मुझ में जीता, एक ऐसे अनुभव के लिए प्रभु हमें बुलाता है, मैं नहीं बल्कि प्रभु मुझ में जीता, इस अनुभव तक पहुंचने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूं, वह स्वामी कमर कसेगा, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बिठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा, और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर पर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। यानी कि प्रभु का वचन क्या कहता है, धन्य वह सेवक जब स्वामी लौटते वक्त वो अपने नौकर को पाता है कि वो जागता हुआ, यानी कि चाहे कोई भी समय प्रभु आए, जागता हुआ व्यक्ति चाहिए प्रभु के लिए। हमेशा हम जागते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, कभी किसी प्रकार से आलस्यपन से या बुराई से पाप में फंसे रहते प्रभु से दूर ना जाएं, प्रभु के छत्र छाया में हमेशा हम बने रहें, प्रभु की उपस्थिति में हमेशा जीते रहें। प्रभु का वचन क्या कहता है आखिरी में, दूसरे या तीसरे पहर में जब आता हुआ पाएगा, जागता हुआ पाएगा, यानी कि जो वक्त हम सोचते हैं कि चलो ये आराम का वक्त है, ये इतना गंभीरता का समय नहीं है, उस वक्त भी प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के लिए प्रभु के साथ ट्यून्ड रहें। प्रभु के साथ जब ट्यून्ड रहेंगे, चाहे समय कोई भी हो, चाहे विपरीत समय हो, विपरीत परिस्थिति हो, तब भी हम प्रभु के साथ विश्वास के साथ मजबूत रहेंगे, अपना कर्तव्य की ईमानदारी से करते हुए रहेंगे और प्रभु की गवाही बनते हुए उस विश्वास का दिया को, प्रेम का दिया को जलाए रखेंगे, इस नफरत से नफरत की आंधी में, इस बड़े वे से, इस परिवेश में, इस समाज में, तब प्रभु हम सबों को वो पुरस्कार देगा, वो पुरस्कार देगा। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है, इस चुनौती भरी बातों को सुनकर उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। ऐसे वैसे देखा जाए तो आज के दिन में बहुत सारे नकारात्मकता की शक्ति, वातावरण, प्रदूषण फैला हुआ है, उसके बावजूद हम सबों के लिए प्रभु का एक दिया बन के उस अंधकार में भरे हुए इस लोक में हम प्रभु का दिया बनकर हम जीवन बिताएं। इसलिए प्रभु हमें बुलाता, तुम्हारे ज्योति जलती रहे, यानी कि चारों तरफ से हम देखते हैं अंधकार है, अंधकार का बोलबाला है, लोग अंधकार में हैं, लोगों को सच्चाई दिखाई नहीं दे रही, हकीकत दिखाई नहीं दे रहा, वास्तविकता पता नहीं है, अंधकार में संचालित लोग अंधकार की बातें कर रहे हैं, उसके बीच में हमें प्रभु की ज्योति बनकर जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए हम इस बात का एक बहाना ना करें कि सब जगह पर अंधकार है, सब जगह पर नेगेटिविटी है, सब जगह पर नफरत ईर्ष्या है, सब जगह पर लड़ाई झगड़े आंधी या अशांति की आंधी है, तो हम क्या करें, नहीं, जैसे कमल कीचड़ के बीच में से कमल सुंदर तरीके से उग के ऊपर निकलता है, वो कीचड़ उसके ऊपर लगता नहीं है और कीचड़ में भले ही उगता है लेकिन वो अपना ही एक पहचान दिखाता है, उसी प्रकार से हम सबों को एक अपनी पहचान दिखाने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह में ये संदेश देता है आज के दिन में, भले ही हम इस युग में वो कीचड़ जैसे अंधकार का बुराई का कीचड़ है, उसके बीच में हमें प्रभु की ज्योति बनकर उस सुंदर तरीके से जीवन बिताते, अपनी पहचान हमें लोगों के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। फिर एक बार हम याद रखें प्रभु हमें आज के दिन में कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी देता है, याद दिलाता है, उसको निभाने के लिए बुलाता है। प्रभु कहता है तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको, एक सुंदर गीत है और इस गीत को हम गुनगुनाएं, हम अपने आप को याद दिलाएं आज के दिन में, तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बनके चमको, इस गीत को हम गुनगुनाएं, यानी कि बार बार हम याद दिलाएं प्रभु का वचन कि हम इस दुनिया में प्रभु की एक ज्योति हैं और ये ज्योति मनुष्यों के सामने हमेशा जलाए रखें, इसको कभी बुझने ना दें, ये जिम्मेदारी हम समझें और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए, आज के संदेश के लिए, आज के संदेश के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य प्रभु हम सबों को प्रदान करता है कि इस संदेश के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु हम आपकी गवाही बने, आपके साक्षी बने और आपके नाम की महिमा हम सभी कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।